हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जो थंबनेल देख के वीडियो देखना स्टार्ट किए हो दोस्तों, वो बात सही है। पोल्ट्री बिजनेस पे अभी फिलहाल बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। यह संकट पूरे भारत में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र की बात करो दोस्तों, महाराष्ट्र में यह संकट छाया हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों फीड कॉस्ट। हमारे यहाँ पे विदर्भ में मक्के की फसल कम होने के कारण मक्के की बहुत ज़्यादा किल्लत जा रही है दोस्तों। मक्के का दाम बहुत बढ़ चुका है। अगर आपको तो पता ही है, जो चीज़ की किल्लत जाएगी उसका दाम अपने आप बढ़ जाएगा। तो मक्के की किल्लत के कारण मक्के का दाम बढ़ गया, और मक्के का दाम बढ़ने के कारण फिट का दाम बढ़ गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि फिट के अंदर 65% मक्का ही होता है। इस वजह से दोस्तों हमारे यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी आप फिट बनाने वाली है, उन्होंने अपनी फीड मिल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए, जब तक नए मक्के की पैदावार नहीं होती है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे फॉर्म चलने वाले बहुत सारी नामांकित कंपनियां चिक्स नहीं दे रही है। कुछ लोगों ने नया एग्रीमेंट लेना बंद कर दिए है। कोई चिक्स जो महीने के 6 लाख 7 लाख चिक्स डलवाती थी, वो 2 लाख 2.5 लाख चिक्स पे आ गई है दोस्तों। और उनके पास जो बचा कुचा मक्के का स्टॉक है, उस पर वो उसे चला रही है। फार्मर को दो दो तीन तीन महीने चिक्स नहीं मिल रहा है। अगर वो 2-2.5 महीने के बाद अगर कंपनी से बैच लेता है, तो जो समय वो खाली रह गया, वो समय में तो उसका एक बैच निकल जाता है, यानी वो उसका प्रॉफिट गया। और अगर इस सिचुएशन में प्राइवेट फार्मिंग करने की सोचता है, तो चिक्स तो मिल जाएगा बट फीड नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो महंगा मिलेगा, उसमें भी उसका लॉस हो जाएगा। और अगर 2 महीने 2.5 महीने रुकने के बाद अगर कंपनी से चिक्स मिल भी जाता है, तो जो वेट 40 दिन में आने वाला है दोस्तों, उसे सीधा सीधा 45 से 50 दिन लगेंगे। क्यों? कि कंपनियां अभी फिलहाल, ये जो आप वीडियो में फीड देख रहे हो दोस्तों, आप फीड की क्वालिटी दे सकते हो, मक्के की किल्लत के कारण इसमें ज़्यादा गेहूं के टुकड़े, चावल के टुकड़े ज़्यादा आ रहे फीड में। अब ऐसे फीड से जो FCR आना है, वो FCR आएगा नहीं। कंपनी तो अपने पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी बेस पे अपना हिसाब करेगी। जो प्रॉफिट में 8 रुपये 9 रुपये KG बचना था, वो 4 रुपये 5 रुपये पे आ जाएगा, यानी फार्मर सब तरफ से अंदर ही आएगा। ऐसी फिलहाल की कंडीशन में महाराष्ट्र में किल्लत, मक्के की किल्लत के कारण दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस में संकट आया हुआ है। नए फार्मर के लिए तो सबसे बुरी बात है, क्योंकि नया एग्रीमेंट कोई कंपनियां कर नहीं रही। और आपको तो पता है फिलहाल बिजनेस कंपनियों के हाथ में चले गया है, प्राइवेट फार्मिंग में दम नहीं रहा। इसे हमारे तरफ सबसे बड़ा संकट कहा जा रहा है। फिलहाल ये अभी आने वाले 2 से 3 महीने तक रहेगा, ऐसी बोलना है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे लगा ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। नए फार्मर को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई पोल्ट्री बिजनेस अनिश्चितताओं से भरा है, इसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है करके मैंने दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बनाई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ज़रूरतमंद दोस्तों में इसे शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।